अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस क्लास 5 पार्ट 2 लिविंग थिंग्स यूनिट नंबर 3 लाइफ फंक्शंस। इन लास्ट वीडियो वी कंप्लीटेड आवर लेसन टिल पेज नंबर 25। इट इज इन कंसेप्ट चेक। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो व्हेन दे आर डैश when they are small. Number two is growth slows down and stops at some stages in dash. ये word बनता है adulthood, adulthood, adulthood. All living things move. Movement is called locomotion. It uses up energy. This is page number 24. Today our topic is food. Let's start. All living things need food in order to carry out their life processes. तमाम जिंदा चीज़ों को खुराक की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए या अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए तमाम जिंदा चीज़ों को खुराक की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स देम एनर्जी। खुराक, फूड मतलब खुराक उन्हें ताकत देती है या हरारत देती है। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाई ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड देयर एंड अदर एनिमल्स। जो जानवर हैं वो दूसरे पौधों को और दूसरे जानवरों को खा के अपनी ताकत हासिल करते हैं। फिश स्वालो देयर फूड होल और इन लम्प्स। जो फिश है वो या तो अपने मुकम्मल तौर पर खुराक खा लेती है या फिर उसको हिस्सों में तकसीम करके खाती है। देर डू नॉट च्यू, वो उसको चबाती नहीं है, ठीक है, वो पूरी की पूरी अंदर निगल जाती है, ठीक है, चबाए बगैर। एनिमल्स सच एज काउज डियर गोट्स एंड अदर हर्बीवोरस च्यू देयर फूड। कुछ जानवर जैसे कि काउ मतलब गाय, डियर और गोट्स और जो दूसरी हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस जितने भी जानवर हैं वो अपनी खुराक को चबा के खाते हैं, च्यू करते हैं, च्यू मीन चबाना। A mosquito uses a sharp needle-like mouth part to suck blood from human and other animals. और जो मच्छर हैं वो अपनी needle like एक उनके मुंह के अंदर होता है पार्ट ऑफ बॉडी जिससे वो इंसानों और दूसरे जानवरों का खून सक करते हैं, चूसते हैं, ठीक है। इसी तरह द एंटलाइन बिल्ड्स अ ट्रैप फॉर एंट्स। और जो जिस तरह ये एंटलाइन है ये दूसरे एंट्स के लिए ट्रैप बनाती है, मतलब ये दूसरे कीड़े मकोड़ों को या एंट्स को खाती है। प्लांट्स टू नीड एनर्जी। पौधों को भी हरारत की या ताकत की ज़रूरत होती है। प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड। पौधे अपने सब्ज पत्तों से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे डू दिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये अमल किस तरीके से करते हैं, उस अमल को क्या कहा जाता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिस अमल से ये अपनी खुराक बनाते हैं, ठीक है। यूजिंग वाटर फ्राम द ग्राउंड, ज़मीन से ये पानी इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द एयर, हवा से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एंड द एनर्जी फ्राम सनलाइट, और सूरज से हरारत लेते हैं। बट नाट ऑल प्लांट्स मेक फूड इन दिस वे, लेकिन तमाम पौधे इस तरीके से खुराक नहीं बनाते, ठीक है। पौधे जो फोटोसेंथेसिस का अमल है वो पत्तों में होता है, सूरज की रोशनी में, और इनको अपनी खुराक बनाने के लिए ज़मीन से वो पानी लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूरज की रोशनी से वो हरारत लेते हैं, और इस तरीके से वो अपनी खुराक बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, अ टोमेटो प्लांट मेक दिस फूड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ज़मीन से वो वाटर ले रहे हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और सूरज से ये हरारत एनर्जी ले रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं पौधे। इसी तरह ये देख लें, पौधा रेफ्लिसिया इज अ पैरासाइट। इट डज नॉट हैव ग्रीन लीव्स, इसके ग्रीन लीव्स नहीं होते हैं। एंड कैन नॉट मेक द इट्स ओन फूड, इसलिए ये अपनी क्रॉप खुद नहीं बनाते। इट लीव्स ऑफ द फूड मेड बाय अदर प्लांट्स, ये दूसरे पौधों की बनाई हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मशरूम्स, पिचर प्लांट्स एंड वीनस फ्लाइट्रॉप, ठीक है। ये सब पौधों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पायरेशन, मतलब सांस लेना।
लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो जिंदा जानदार चीज़ें हैं वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिस्पायर। पौधे और जानवर जो हैं वो सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं जब वो सांस ले देते हैं। एनिमल रिस्पायर इन डिफरेंट वेज, जो जानवर हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सांस लेते हैं। मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू द नोज और नॉस्ट्रल्स। जो मैमल्स हैं, बर्ड्स परिंदे हैं, और रेप्टाइल्स जो जानवर हैं वो नाक से या नथनों से सांस लेते हैं। एयर इज़ इनहेल्ड इन टू अ पेयर ऑफ लंग्स, और जो हवा होती है वो फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, द ऑक्सीजन इन एयर इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, जो उस हवा में ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर दी हो जाती है। एंड इट्स कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और एंड इज़ कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर वो जो खून के अंदर ऑक्सीजन जाता है वो जिस्म के तमाम हिस्सों में हरकत करता है या चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सहेल्ड और ब्रेथ्ड आउट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, सांस जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे होते हैं। ये देखिए, नाक से जाता है और आगे लंग्स में से ये चला जाता है हवा। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड सिप्रकल्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े या हशरात हैं, ठीक है, ये किसे सांस लेते हैं, इनमें एक साइड पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स कहा जाता है। ठीक है, उन छोटे सुराखों को स्पाइरिकल्स कहा जाता है, वहाँ से ये सांस लेते हैं और अपने जिस्म में हवा लेके जाते हैं। ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइरिकल्स, जो ऑक्सीजन है वो जिस्म में स्पाइरिकल्स के जरिए अंदर जाती है। एंड इज पुश्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब, और एयर ट्यूब का एक पूरा नेटवर्क अंदर बना होता है जहाँ पे वो हवा जाती है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये कौन सा तरीका कहा था किन में, इंसेक्ट्स में सांस लेने का। अब पानी में रहने वाले जानवर किस तरह सांस लेते हैं। वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेस, पानी में जो मिक्स हुई होती हैं, डिजॉल्व का मतलब होता है उसके अंदर हाली हुई गैसें होती हैं। फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो फिश है, प्रॉन्स, क्रैब्स और टेडपोल्स हैं वो गिल्स के जरिए सांस लेते हैं। दे गल्प वाटर इन थ्रू द माउथ, वो मुंह के जरिए पानी अंदर लेके जाते हैं। विच पासिस आउट थ्रू द गिल्स, जो कि उनके गिल्स में से गुजर के जाती है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड इन द गिल्स, जब वो गिल्स में पहुंचती है तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन खून के अंदर शामिल हो जाती है। फिश हैव नॉस्ट्रल्स, फिशेज के जो है नॉस्ट्रल्स होते हैं, नथने होते हैं, बट दे डू नॉट यूज़ देम टू ब्रीद विद, लेकिन वो इन नथनों को सांस लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, दे यूज़ देम टू स्मेल विद, वो अपने नथनों को सिर्फ सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखिए फिश की। आगे आगे प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, जो अब प्लांट्स हैं वो छोटे सुराखों से सांस लेते हैं, और उन सुराखों को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। इन द लीव्स, जो के पत्तों में होता है। एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स, जो पानी और हवा है इन छोटे सुराखों में से गुजर सकती है। ठीक है, एनिमल्स सच एज अर्थवर्म एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस व्हेन दे आर इन वाटर। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि अर्थवर्म हो गया, ये अर्थवर्म आपको नजर आ रहा है और ये फ्रॉग नजर आ रहा है, ये अपनी जिल्द से सांस लेते हैं, जो बॉडी का सरफेस है वहाँ से ये ब्रीथ करते हैं। व्हेन दे आर इन वाटर, जब वो पानी में होते हैं, ठीक है, जब ये जानवर पानी में चले जाते हैं तो ये अपनी जिल्द के जरिए सांस लेते हैं। आज के लिए हम इतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये थर्ड पेज नंबर 27, आज के लिए इतनी काम होगा। अल्लाह हाफिज़।